प्रिय किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आप सबको बधाई दे रहा हूं। विपरीत परिस्थितियों में ये आपका परिश्रम है कि अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। गेहूं के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, आपने उत्पादन के रिकॉर्ड बनाया तो हमने भी गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया। अभी 2 महीने पहले तो मैं आया हूं, गेहूं खरीदी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आती व्यवस्थाएं बनाई, बारदानों का इंतजाम किया था 16 लाख मीट्रिक टन का, लेकिन गेहूं की बंपर आवक लगातार बढ़ती चली गई। हम भी बारदानों का इंतजाम करते चले गए, खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए और आज मुझे बताती हूं खुशी है कि कोरोना के कारण समय पर खरीदी शुरू नहीं हुई थी। 16 अप्रैल को हमने विपरीत परिस्थितियों में गेहूं की खरीदी शुरू की थी और 25 मई तक 15,03,000 किसानों से कुल मिलाकर 114,70,000 मीट्रिक टन यानी 11,47,00,000 क्विंटल गेहूं खरीद चुके हैं। आप स्वयं सोचिए व्यवस्था बनाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन आगे भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के कारण, कुछ और परेशानियों के कारण बारदाने भी डिले हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था तो 16 लाख मीट्रिक टन की थी, लेकिन हम हर तरफ से मंगा रहे हैं। इसलिए जहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया है वो चिंता ना करें, उन जिलों में जहां गेहूं की खरीदी पूरी नहीं हो पाई 31 मई तक गेहूं उपार्जित किया जाएगा। लेकिन एक निवेदन आपसे है, अव्यवस्था ना हो इसलिए जब आपको SMS किया जाए तभी खरीदी केंद्र पर आए, 2 गज की दूरी बनाएं, मुंह पर फेस कवर लगाएं और सुरक्षित अपना गेहूं खरीद केंद्र पर बेचें। परेशानी से बचिए, हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपका गेहूं खरीदेंगे। और आपने देखा कि 2 महीने के बीच में ही हमने 0% ब्याज पर कर्जा फिर देने का फैसला किया और 0% ब्याज पर भी कर्ज चुकाने की तिथि बढ़ा के 31 मई कर दी। 2,990 करोड़ रुपया 15 लाख से ज्यादा किसानों के फसल बीमा योजना के अंतर्गत खाते में डाले, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। 1,365 करोड़ रुपया लगभग 68 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले गए। कृषि कार्यों के लिए जले हुए ट्रांसफार्मर बिना अतिरिक्त शुल्क के बदलने का फैसला किया गया। एक ने अनेकों फैसले किए, आगे भी लगातार करते रहेंगे, ये आपकी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।